ये भाजपा के लोग और भाजपा के लीडर जो यहाँ पे आते हैं कि आप लोगों को अगर शर्म है तो मंजा कोर्ट में कदम अगर रखते हो तो। अब नाजरीन आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज चैनल का सोशल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ आकिब खान। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, आप जो है इनको पहले से ही जानते होंगे, कोई ना कोई नया जो है सोशल इशू को लेकर जो है एडवोकेट राहुल खान साहब जो है हाजिर होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ तफसीलन बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट राहुल खान साहब। सबसे पहले सर टाइम देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आपने अभी इतना लेट टाइम दिया, और मैं देखता रहता हूँ कि आप मतलब पब्लिक में जाके दूर दराज इलाके में भी जाके आप लोगों के इश्यूज को कवर करते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। सर जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद 2014 के बाद जो है सर डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर खासतौर में बात करूँ, कितनी ही डेवलपमेंट जो है आपको देखने को मिली? ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि 2014 के बाद अभी तक डिस्ट्रिक्ट राजौरी नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट क्या हुआ। मैं आपको बता दूं कि 2014 से जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार है। भाजपा में ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब यह है भारतीय जुमला पार्टी। भारतीय जुमला पार्टी इसलिए कह रहा हूं कि ये वो सरकार है जिसने 2014 में ये वादे किए थे कि हम जब जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम हर जो व्यक्ति होगा हर व्यक्ति के अकाउंट में हम 15 लाख रुपया डालेंगे। क्या आज तक किसी के खाते में 15 लाख रुपया, क्या 15 रुपये तक किसी के खाते में डाले गए? और यही वही सरकार है जिसने बोला था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज अब जम्मू कश्मीर के खासतौर जम्मू कश्मीर के ये जो रीजन है हमारा राजौरी पुंछ का, इस इलाके में देख लो कि पढ़े लिखे नौजवान जो है आज ड्राइवरी करने पे मजबूर हैं, पढ़े लिखे नौजवान आज लेबर में काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान है जो आज चाय बना के लोगों को चाय पिलाने का काम कर रहे हैं। कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं किया बल्कि जम्मू कश्मीर को तबाह व बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जरूरत थी कि हर जगह पे मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, हर जगह पे डिग्री कॉलेज खोले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, और जितने भी पढ़े लिखे नौजवान थे जम्मू कश्मीर में उन्हें नौकरियां दी जाए ताकि वो लोग भी अपना रोजगार चला सकें। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में सिर्फ भाजपा के जो है सिर्फ ये जुमले ही होते रहते हैं। हर जगह पे आप सुनोगे कहीं ना कहीं, जैसे पहले पिछले दिनों में जम्मू में जेके एसएसपी के एस्पिरेंट ने कितने अरसे से वहां पे प्रोटेस्ट किया। क्या जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे नौजवानों की आज उनका काम सिर्फ दफ्तर में बैठने का है या रोड पे बैठ कर इस सरकार के खिलाफ एहतजाज करना है? जो और जो लोग मुलाजिम थे जैसे कि पीडीडी डिपार्टमेंट में हो गए, उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट में हो गए, और भी जितने भी डेली वेजर्स लोग जो एम्प्लॉयड थे डिपार्टमेंट में, वो लोग भी कई अरसे दराज तक अपनी मांगों को लेकर सड़क के ऊपर एहतजाज करते रहे इस सरकार के खिलाफ। तो कौन सी डेवलपमेंट हुई आप मुझे ये बता दो कि 2014 से लेकर 2023 तक जो लोग एम्प्लॉयड थे डिपार्टमेंट में उन्हें भी अपने बेनिफिट्स नहीं दिए गए, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उसके बाद जो नौजवान अपनी नौकरियां चाहते थे उन्हें भी नौकरी नहीं दी गई, तो कौन सा डेवलपमेंट? मेरे ख्याल से तो जीरो डेवलपमेंट हुआ। डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर खासतौर पर मैं ब्लॉक मंजाकोट की बात करूं, क्या सर पहले से जो यहां पे पीएससी बनाया गया था इसको सर क्या अपग्रेड किया गया है? अरे मंजाकोट में जो हॉस्पिटल है पीएससी हॉस्पिटल है, आज से 20 साल पहले जो हॉस्पिटल था आज भी वही पीएससी हॉस्पिटल है। दरहाल में चले जाओ आप, थन्ना मंडी में चले जाओ, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने हुए, तो क्या मंजाकोट में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बन सकता? 2011 की जो सेंसिस हुआ था उसमें मंजाकोट तहसील की जो पॉपुलेशन थी वो 50,000 के करीब थी, और आज 2023 में यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख के करीब है। तो आज यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। तो क्या किया सरकार ने मुझे बताए, 2014 से पहले जो हॉस्पिटल पीएचसी बना था आज वही पीएचसी है, जहां पे 2 या 3 डॉक्टर बैठते थे आज भी वही डॉक्टर हैं। लोगों को यहाँ फैसिलिटी नहीं मिलती, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, एम्बुलेंस की यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है, उसके बाद मेडिसिन जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वह भी लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती।
तो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत थी। आज मंजाकोट के लोगों को यहाँ पे जरूरत है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिला जाए। देरी लोड बीजी से लेकर लोगों को राजौरी जाना पड़ता है और वहां पे भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें वहां पे अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां बहुत ज्यादा रश होता है, वहां लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, वहां पे बेड्स की भी कमी है। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि अगर भाजपा कुछ कर सकती है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर सकती है, तो मंजाकोट के हॉस्पिटल को अपग्रेड करें ताकि लोगों को सहूलियत मिले, यहाँ के लोग जो है राजौरी जाने से बचें, अपने यहाँ पे हर बीमारी का यहाँ पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है बैठना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में काफी सारे इंटरव्यू आपने भी कवर किए होंगे, बहुत सारे बीजेपी के लीडर यहाँ के कभी रैलियां करते हैं, कभी यहाँ आके इंटरव्यू देते हैं। मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आपको शर्म नहीं आती कि आप यहाँ पे सिर्फ अपने झंडे को ठहराने के लिए, अपनी रैलीज करने के लिए आ जाते हैं, कि आपने यहाँ मंजाकोट में आके लोगों के लिए, क्या आपने ये नहीं कभी सोचा कि हम यहाँ का इनका हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए हम कभी इनकी आवाज उठाएं? यहाँ पे डिग्री कॉलेज का मसला है जो इतने सालों से हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को डिग्री कॉलेज मिले, यहाँ बीजी से बच्चे को, बालाकोट से बच्चे को उठ के यहाँ से डिग्री कॉलेज राजौरी ना पड़े। क्या बीजेपी ने इस पे कभी बात नहीं की? इन लीडरों को शर्म आनी चाहिए। आने वाले दिनों में फिर से ये लोग आने वाले यहाँ पे, मैं क्या दे रहा हूं। और आपसे भी ये कहूंगा कि उन लोगों को ये पूछिए, ये भाजपा के लोग और भाजपा के लीडर जो यहाँ पे आते हैं, कि आप लोगों को अगर शर्म है तो मंजाकोट में कदम अगर रखते हो तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हॉस्पिटल और डिग्री कॉलेज और मुंसिफ कोर्ट की यहाँ पे बात करो। अगर आप में हिम्मत है कि अगर आपकी पार्टी एग्जिस्ट करती है, आप कहते हो कि हमारी पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान में मेजोरिटी में आई है, अगर आपकी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मेजोरिटी में आई है तो क्या मंजाकोट में उसका असर नहीं दिखना चाहिए? मंजाकोट में क्या सिर्फ आपके झंडू और आपके इंटरव्यू का सिर्फ यहाँ पे मसला दिखना चाहिए? सर, G20 की मीटिंग जो कश्मीर के अंदर हुई है, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी G20 की मीटिंग के बाद? 2014 से लेकर 2023 के फेब और मार्च के महीने तक कितनी डेवलपमेंट हुई, 10 और 11 साल में कितनी डेवलपमेंट हुई, ये आपने भी देखा होगा, ये लोगों ने भी देखा होगा। कौन से लोग? जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। अमीर तो अमीर होते जा रहे, गरीब लोग वहीं के वहीं हैं। जो 11 साल में नहीं डेवलपमेंट हो पाई तो क्या उम्मीद रखेंगे कि आप आने वाले साल 2 साल में हो पाए? अब 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, इन्होंने क्या करना है? जब भी कोई ऐसा इशू होता है जो पब्लिक डोमेन में होता है, जब कोई बात उठाता है कि हमें इस चीज से दिक्कत है, हमें इस चीज की जरूरत है, उस चीज को बात करने पे ये लोग बिल्कुल खड़े नहीं उतरते, उस चीज से अलग होके कि हम इन लोगों का माइंड जो है कैसे डाइवर्ट करें, उन लोगों का माइंड डाइवर्ट करके किसी दूसरे मुद्दे पे ले जाते हैं। तो क्या 11 साल में अगर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो आने वाले साल 2 साल में, साल का टाइम भी नहीं रहा तो साल में उम्मीद न रखें। ये मेरी पूरे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश है कि इन भाजपा वाले लोगों पे भरोसा मत करें। 11 साल से इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो आने वाले टाइम में भी उम्मीद मत रखें। ये ऐसे ही खाली हाथ ये जुमले वाली पार्टी है, जुमले वाली पार्टी है। सर, 1947 से लेकर 2013 तक एनडी तक जो है कांग्रेस सरकार ने जो है यहाँ पे हुकूमत किया है, खासतौर पर इंडिया के अंदर। सर, मैं आपको बताना चलूंगा, 370 हटा जब उस वक्त की, कभी जम्मू कश्मीर के अंदर कभी एनसी की हुकूमत रही है, 70 साल से जो है इनकी हुकूमत रही है, खासतौर पर उसके बाद पीडीपी आई है जो है भाजपा के साथ। लेकिन सर, क्या उस टाइम जो है 370 को ये नहीं पक्का कर सकते थे, या इसको बचाने की इन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? ये बात आपने ठीक कही है, जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टी थी, ये उनका काम बनता था कि जो आर्टिकल 370 हमें दिया गया था उस श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये उनका काम बनता था कि हम जो जम्मू कश्मीर को जो एक स्पेशल आइडेंटिटी दी गई है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि उससे हम परमानेंट कर दें ताकि लोगों को आने वाले टाइम में कोई किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये उन लोगों को करना चाहिए था, नहीं किया, और उसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर के लोग दरबदर हो रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर के लोगों की आइडेंटिटी छीनी गई, आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों का नौजवानों की नौकरियां छीनी गई, आज जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें जो छीनी गई है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा,
सर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए जो हमारे यंग यूथ हैं ये ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, आपने देखा होगा रिसेंटली कितनी भी सर ओवरडोज की वजह से सर जो इनकी डेथ हो चुकी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त तो यूटी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए जो हमारे यंग यूथ है सर इनका माइंड डाइवर्ट किया जा सके? अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अच्छा करना चाहती है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए तो मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि अगर ड्रग्स की तरफ लोग इसलिए जा रहे हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उन्हें नौकरी की जरूरत है, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो लोग कहाँ पे जाएंगे? कुछ तो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ तो दिहाड़ी लगा रहे हैं, अपनी फैमिली को भी लोगों को पालना है। अगर ड्रग्स से लोगों को दूर करना है, अगर ऐसे नशे वाली चीजों से अगर स्टूडेंट को यहाँ के नौजवानों को दूर करना है तो उन्हें नौकरी दें आप। अगर नौकरी पे देंगे वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील में, अपने इलाके की वहां की डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, वहां के लोगों की तरक्की होगी, वहां के नौजवान जो हैं पढ़े लिखे होंगे जब, तो ये इन चीजों से दूर रहेंगे।